हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहन और आप सबको सबसे पहले आज़ादी की 75वें सालगिरह के अवसर पे आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं अब कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में है और अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखें, ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा अलग अलग चार्ट पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर देखिए साइडवेज था, निफ्टी लास्ट वीक में ही ब्रेकआउट कर गया। ओके, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट इस कैंडल में किया लेकिन फिर से छोटे रेंज में फंस गया है। अभी एक टॉप के आसपास क्लोज किया है, बहुत संभव है कि कल इसमें 100-150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग मिले। फ्लैट ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभावना यह है कि इसमें 100-150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग मिले और यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में एक बड़ा ट्रेंड हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर अभी आप यहाँ निफ्टी का चार्ट को देखें तो निफ्टी क्या, निफ्टी यहाँ पर भी जिस तरीके से बैंक निफ्टी साइडवेज रहा, निफ्टी भी यहाँ पे साइडवेज रहा। निफ्टी लास्ट वीक में ही ब्रेकआउट कर गया और यहाँ से एक अच्छा मोमेंट इसमें देखने को मिल गया है। एटलीस्ट 550-600 पॉइंट के इसमें मोमेंट हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, और लास्ट दो दिन में भी निफ्टी अच्छा चला है, तो निफ्टी थोड़ा कम चल सकता है कल के दिन पे, बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंट आ सकता है। ठीक है, निफ्टी चलेगा लेकिन मॉर्निंग में 10-15 मिनट में चल जाए वो निफ्टी का हाई हो सकता है। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से चलना शुरू करेगा तो एक कंटिन्यू उसमें फुल डे एक ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल सकता है। चलिए अभी इन डिटेल बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। अगर 5 मिनट के चार्ट में आप बैंक निफ्टी को देखें तो एक पॉइंट तो आपको फिर से याद दिलाऊंगा आपको। देखिए, मार्केट लगभग यहाँ पर फुल डे ट्रेड किया। ओके, इस रेंज में लगभग फुल डे ट्रेड किया। अगर आपने स्ट्रगल बनाए होंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा, मैं बनाया था। ओके, अब ध्यान रखिए कि मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर टॉप से नीचे आ रहा है तो ये बहुत जल्दी नीचे ब्रेक डाउन करेगा नहीं, राइट, सपोर्ट के पास रुक जाएगा। और इसके ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर इसे गिरना है तो यही ओपन हो और फिर स्पीड में नीचे जाए, ठीक है, तब ही गिरेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इस तरीके का लो बनाएगा और मार्केट रिवर्स कर जाएगा। अब सेम तरीका, अब यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर ये हाई के ऊपर ये टिकेगा नहीं, बड़ा मूवमेंट देगा नहीं। इसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, देखिए, अगर ए पॉइंट रेजिस्टेंस है और बहुत दूर से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट कैंडल अपर साइड में टिक नहीं पाएगा, मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर हॉल्ट करना पड़ेगा, फिर ये ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर साइडवेज होना पड़ेगा, फिर ये ब्रेकआउट करेगा। सेम तरीका कि अगर मार्केट को सपोज करो ये लोअर साइड है, ठीक है, सपोर्ट है और टॉप से मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे ब्रेक डाउन कर भी जाता है, मत शॉर्ट करी, वेट करी, इसे ब्रेक डाउन करने से पहले यहाँ पर साइडवेज होना पड़ेगा फिर नीचे जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझते होंगे, डायरी पे नोट करते रहिए, लगभग मैं एवरीडे इसके ऊपर बात करता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रेड बनना चाहिए मॉर्निंग में। देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस रेंज था। ओके, मार्केट बॉटम से ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, अब फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फ्लैट ओपन होता है, जहां क्लोज किया यहां से 20-25-50 पॉइंट आसपास ओपन होता है और जैसे हाई को ब्रेक करता है या पहला कैंडल बुलिश बन जाए, दो कंडीशन, या पहला कैंडल इस रेंज में बुलिश बन जाए 36,200 के आसपास, ठीक है, या पहला ही कैंडल ब्रेकआउट कर जाए, यहां पर वेट करेंगे टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर 36,150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए या फिर इस आसपास में जो पहला कैंडल रहेगा उसका लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जैसे इस हाई को ब्रेकआउट करता है, लास्ट डे के हाई को ब्रेकआउट करता है, हम लोग इसमें बाइंग करके जा सकते हैं। लेवल क्या बनेगा, 36,220 से लेके 30। अगर मार्केट इस आसपास भी ओपन होता है तो तुरंत बाइंग करना चाहिए, मतलब इसका ओपनिंग सबसे बढ़िया ओपनिंग होना चाहिए कल 36,120-30 से लेके 36,220-30 के बीच में और ब्रेकआउट कर जाए मार्केट, तो पहला दूसरा तीसरा कैंडल में ही कम से कम 200-300 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है मॉर्निंग में। अच्छे से समझिए ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, जैसे अपर साइड में मूवमेंट करता है, एक मिनट का चार्ट लगाएगा, तुरंत बाइंग आना चाहिए
और इसमें लगभग मैक्सिमम 80 पॉइंट से ज्यादा के एसएल बनेगा नहीं, 70-80 पॉइंट का एसएल रख लीजिएगा और इसमें एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। फ्यूचर बाइंग करके जाइए, अच्छा ट्रेड मिल सकता है मॉर्निंग में ही। अगर आपको कॉल बाइंग करना है तो एटीएम कॉल बाइंग करिए 36,200 का, क्योंकि मॉर्निंग में स्पीड में मूवमेंट आना चाहिए और जल्दी इसे क्लोज नहीं करना चाहिए कल के दिन पे। अगर पहला कैंडल बुलिश रहता है तो उम्मीद करिए 2-3 कैंडल और भी बुलिश रहेगा, क्योंकि आसपास में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो अपर साइड में इसका टारगेट हमें मिलना चाहिए दोस्तों, मैं इसको आर्ली चार्ट में लेके चलता हूं। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर एक आध कैंडल यहां पर फंसा तो फंसा 36,300 के आसपास, ठीक है। अदरवाइज अगर इस कैंडल को पहले ही अगर इस लेवल को पहले ही कैंडल ब्रेकआउट किया तो मार्केट रुकेगा नहीं, यहाँ से कम 36,500-600 का मोमेंट हमें कल के दिन पे मिलना चाहिए। फ्लो में जाता है 50% बुक करके, अगर आप एक से ज्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं तो 50% बुक करके आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। ये फुल डे भी ट्रेंडिंग हो सकता है कल के दिन पे, नजर रखिए बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस समझ गए होंगे, हाँ अगर किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन का मतलब 36,000 के बिलो, ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होता है तब फिर वेट करेंगे इस पॉइंट के बिलो, यहाँ आसपास में 36,000 के लेवल या 35,950 के बिलो, फिर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तो शॉर्ट करेंगे, डाउन साइड में इधर आना चाहिए। लेकिन मेरा व्यू क्लियर कट है कि अप साइड में मूवमेंट मिलना चाहिए, वो ट्रेड हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो नजर रखिए दोस्तों कल के दिन पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा बड़ा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में अगर निफ्टी को देखें दोस्तों तो निफ्टी कंटिन्यू ट्रेंड में रहा है, ओके। निफ्टी अगर इसका आर्ली चार्ट देखें दोस्तों तो कंटिन्यू ट्रेंड में रहा है, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू। अगर आप पॉइंट देखें तो कितना पॉइंट हो गया, लगभग इसमें 400 पॉइंट आसपास, 380 के आसपास, ठीक है। एक बड़ा मूवमेंट इसमें आ चुका है, एकाध रिट्रेसमेंट आया नहीं है, तो निफ्टी थोड़ा रिट्रेस ले सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होगा तो निफ्टी गिरावट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब गिरावट दिखाएगा नहीं। तो हम लोग निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं कल के दिन पे, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने क्या किया, पहले मैंने जो वीकली पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा था, मैंने पोजीशन क्लोज किया, निफ्टी बड़ा मूवमेंट आया है, तो मेरा व्यू है कि कल निफ्टी में बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, मॉर्निंग में जितना मूवमेंट आ जाए 1-2 कैंडल में, ठीक है, इसके बाद ये साइडवेज होना चाहिए, ठीक है। आप निफ्टी में स्ट्रगल पोजिशन बना सकते हैं, 16,550 के अराउंड ये रुकना चाहिए, ठीक है। 600 तक तो मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये 550-560 के आसपास रुकता है तो वहां पर हम लोग पोजिशन बना सकते हैं। लोअर साइड में ये सब पॉइंट 16,480 और अपर साइड में 16,580, ये रेंज बनना चाहिए निफ्टी के लिए। तो हम लोग इंट्राडे में स्ट्रगल बना सकते हैं या मल्टी स्ट्रगल भी सेल कर सकते हो विद स्टॉप लॉस, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्ट्रगल में स्टॉप लॉस बताए हैं, आप लोगों ने स्ट्रगल का वीडियो देखा होगा, तो उसी तरीके से आप मल्टी स्ट्रगल में भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 30% का और पोजीशन बना सकते हैं। अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, पहले स्ट्रगल का वीडियो देख लीजिए, या फिर आप सिंगल स्टेक सेल कर सकते हैं 60,550 के आसपास, अगर मार्केट वहां मिलता है तो हम लोग बेच सकते हैं, अच्छा प्रीमियम मिल सकता है, कल मंडे है, ठीक है। तो 10-15 मिनट मार्केट को देख लीजिएगा, इसके बाद पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको केवल बाइंग ही करना है, ठीक है, अगर बाइंग ही करना है तो इसी लेवल में आपको मिलना चाहिए और 40-50 पॉइंट के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मोमेंट मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी में मिलेगा। और अगर किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है तो इससे पहले शॉर्ट होगा नहीं 16,480 के बिलो, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से गया है तो इस ट्रेंड लाइन के बिलो ये सस्टेन करे फिर ब्रेक डाउन करे तब हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ट्रेड पैटर्न बन नहीं रहा है। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अब देखते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए ये बहुत स्ट्रांग है और HDFC भी स्ट्रांग है, ध्यान रखिएगा। आसपास यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न बना रहा है दोस्तों, इस पैटर्न में ये अपर साइड ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, हो सकता है कल ये रुक जाए निफ्टी की वजह से, अगर निफ्टी बड़ा मोमेंट नहीं आया तो, ओके। तो इसे ध्यान रखिए कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप इसे आर्ली चार्ट में देखें तो चार्ट पैटर्न छोटा कर लीजिए, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ आपको, इस पॉइंट के ऊपर निकलना चाहिए फिर हम इसे बाइंग कर सकते हैं 2150 के ऊपर, ठीक है। अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है तो स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ेगा 2140 का, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग टारगेट इधर देख सकते हैं इसमें इंट्राडे, ठीक है।
21, 70, 80 के आसपास का भी हमें भाव देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप ओपन हो गया तो चांस मिलेगा नहीं, संभव है कि गैप अप ओपन हो जाए क्योंकि सिनेरियो पॉजिटिव है इसके लिए। ठीक है, बहुत सारे भी डील हुए हैं, 2-3 डील हुए हैं, आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा। ओके, अमेजन के साथ एक नेगेटिव न्यूज आया था तो यहाँ से मार्केट गिरा था, अगेन वापस चला गया, तो अभी उस पर बहुत सारे केसेस चलेंगे, तो बहुत ज्यादा रिलायंस में फियर करने की जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट और शेयर कर दो दोस्तों, इसे स्विंग में भी लेके जाइए। ओके, अगर एक कल 2150 के ऊपर निकलता है तो स्विंग में लेके जाइए, आपको 2250-2300 का टारगेट दिखा सकता है आने वाले वीक में। नजर रखिए दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में। साथ में HDFC लिमिटेड, मैं इसको आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों, और मेरा पोजीशन इसमें अभी भी ओपन है फ्यूचर का, और बड़ा क्वांटिटी भी है। मैं 2 डीमेट में इसे होल्ड किया हूँ, एक में मैं 1 लॉट लिया हूँ जो आपको शेयर किया हूँ, दूसरे डीमेट में भी मेरे पास इसमें बड़ा पोजीशन है। देखिए यही समय आसपास बता रहा हूँ आपको, कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, कल भी इसमें एक अगेन बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के चार्ट में देखें और पोजिशनल में भी इसे देखिए, 2 पोजिशनल का ट्रेड है। वीकली बेसिस पे भी मैं पिछले वीक में HDFC ही बताया था, इस बार आपको रिलायंस इंडस्ट्री भी ऐड किया हूँ, तो ध्यान रखिए 2900 से पहले थोड़ा बहुत है रुक सकता है, लेकिन 2900 से पहले रुकना नहीं चाहिए HDFC लिमिटेड। तो कल के दिन पे नजर रखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छे लेवल मिल जाता है मॉर्निंग में, ठीक है, तो हम लोग इसमें ट्रेड लेके जा सकते हैं। इसे बाइंग करना चाहिए 27, 10, 12 के ऊपर, ठीक है, अगर इस भाव में ओपन होता है, सपोज करो ये ऊपर ओपन हो और नीचे भी आके वापस रिटर्न करता है, तो हमें ऊपर से नीचे आते समय रिटर्न जब करेगा उस समय देखना है कोई ग्रीन कैंडल 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है, तब बाइंग करना है, या फिर ओपन यहाँ हो जाए और स्पीड में अपर साइड जाने लगे तब भी आपको तुरंत बाइंग करके जाना चाहिए इस स्टॉक में। मॉर्निंग में ही आपको अच्छा ट्रेड दिखा सकता है, 2700 के आसपास का SL रखना पड़ेगा, 12-13 रुपए का मैक्सिमम 15 रुपए का SL रखना पड़ेगा, और टारगेट आपको अपर साइड में 27, 30 और 40 का देखने को मिल सकता है। अगर ये दोनों स्टॉक चल गए तो निफ्टी भी ऊपर की तरफ रह सकता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक स्टॉक नहीं चलता है तो आप समझिए इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, या HDFC लिमिटेड चल जाए या रिलायंस इंडस्ट्री चल जाए, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। अगर दोनों चल गया तो फिर निफ्टी तो उड़ जाएगा, 100-125 पॉइंट मूवमेंट कर जाएगा निफ्टी, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है दोनों में से कोई एक स्टॉक चलेगा कल के दिन पे, इसे ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत में पहले ब्रेकआउट देता है उसे बाइंग करके जाना चाहिए। दोस्तों HDFC बैंक इस स्टॉक को भी नजर रखिए, चूंकि कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पर होल्ड किया था, लास्ट डे भी इसमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, अब आसपास में रेजिस्टेंस नहीं है, तो मुझे लगता है ये 1540-45 के आसपास का टारगेट आपको दिखा सकता है। नजर रखिए कल के दिन पे रिट्रेसमेंट ले चुका है, जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, अब अगला अपसाइड में मूवमेंट आना चाहिए, तो 1529-30 के ऊपर जैसे निकलता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, 1522-23 के आसपास का SL लगा के इसमें बाइंग कर सकते हैं, 7-8 रुपए के स्टॉप लगा के इसे बाइंग कर सकते हैं। अपर साइड में टारगेट इसमें 1540-1545 के ऊपर का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम 1550 के आसपास तक का, तो यहाँ तक का ट्रेड आपके लिए इजी बन सकता है, नजर रखिए कल के दिन पे HDFC बैंक में। तो दोस्तों अब देखते हैं भारतीय एयरटेल, देखिए इस स्टॉक को भी नजर रखिए, अभी बाइंग के ऊपर है, और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ठीक है, इस आसपास में देखिए तो एक कितना लंबा ब्रेकआउट है, 2008 के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, मल्टी ईयर चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट है। इस 15 अगस्त से आप अगले 15 अगस्त तक इसे रख सकते हैं, एक साल के अंदर अंदर मुझे लगता है 40-50% आपको ट्रेड देके जा सकता है भारतीय एयरटेल, इतना ताकत रखता है, ठीक है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के पर्पस से भी लेके जा सकते हैं। ओके, एक बड़ा ट्रेड आपके लिए बनने वाला है, जिस तरीके से रिलायंस निकला था उसी तरीके से ये भी निकल रहा है, चूंकि देखिए कंपिटिटर अब है ही नहीं है लगभग, एक रिलायंस बच गया और भारती आइडिया की तो वैसे भी दुर्गति ही दिख रहा है अपने को, ठीक है, हालांकि उसमें न्यूज इधर उधर अपडेट जरूर हो रहा है, लेकिन वो मुझे लगता है फालसी होने वाला है, ज्यादा कुछ अच्छा आने वाला नहीं है। ओके, तो नजर रखिए दोस्तों कि एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है इंट्राडे में, जैसे ये 638-39 के ऊपर निकलता है आप इसमें बाइंग करके जा सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा 635 का, अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करता है, बाइंग करके जा सकते हैं, कम से कम 10 से 12
रुपए के आसपास का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ट्रेड अच्छा बन सकता है इंट्राडे में, और फ्लो में ही अगर अगर पहला कैंडल ही इसमें 12-13 रुपए का हो जाता है तो थोड़ा होल्ड करिएगा, और भी ट्रेड आपको बड़ा लेके जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा ट्रेड बन सकता है दोस्तों भारतीय एयरटेल कल के दिन पे। अब दोस्तों एक स्टॉक शॉर्ट का है, और आईबुल है, जिल है, ये सारे स्टॉक को आप शॉर्ट लिस्ट में ही रखिए। जब भी पैटर्न बनते हैं अच्छा ट्रेड देके जाते हैं और जल्दी ट्रेड देते हैं। तो कल के दिन पे नजर रखिए, देखिए यहाँ पर इनसाइड हुआ है बड़े कैंडल के अंदर। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर रहा है 245-46 के बिलो। जैसे 245-46 के बिलो ब्रेक करेगा इंट्राडे में भी आपको अच्छा ट्रेड दिखा देगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ओके, और टॉप से भी एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो सिमेट्रिकल ट्रेंगल जैसा पैटर्न बना है, राइट। तो नजर रखिए, अपसाइड भी जा सकता है, लेकिन व्यू मेरा लोअर साइड इसे शॉर्ट करने का है। अभी दिख रहा है ट्रेंड लाइन 248 के बिलो, डाउन साइड में इधर का टारगेट मिनिमम 240, इसके नीचे भी ये फ्लो में ब्रेक कर सकता है, स्टॉप लॉस 252 के आसपास का। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान रखिएगा, जैसे 246-245 के बिलो जाएगा, स्पीड में नीचे जाएगा 240 एटलीस्ट। ठीक है, स्पीड में कैंडल गिरता है और बड़े बड़े कैंडल के साथ ही नीचे आता है। ठीक है, तो आप इसमें शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं 248 के बिलो, अच्छा ट्रेड आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। 4 पॉइंट के एसएलए, थोड़ा हाई बीटे स्टॉक है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है। आप छोटे क्वांटिटी में भी शॉर्ट करें, टारगेट आपके लिए बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।